नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के और एक फ्रेश एपिसोड में। और मैं आज आपको Facebook के प्राइवेसी सेटिंग्स में एक टिप्स बताने वाला हूं जिससे Facebook आपका कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक ना कर सके। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को ये पता भी होगा ऑलरेडी, अगर नहीं पता होगा तो उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसके अलावा मैं सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स के ऊपर आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं अलग अलग वीडियोस के ऊपर, क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं तो उनको मैं कुछ चार पांच क्वेश्चंस लेकर उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है मेरा S20 Plus। मैं इसमें जाऊँगा फेसबुक में, फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा प्राइवेसी सेटिंग्स में, या फिर सेटिंग्स में आपको जाना है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। इधर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, यहाँ आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि फेसबुक मेरे फ़ोन में कितनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहा है। ये एक्चुअली आप देख सकते हो अलग अलग एप्लीकेशन है, लाइक ये ट्रू कॉलर है, ये फ्लिपकार्ट है, अगेन ये Z5 का एप्लीकेशन है, ये गाना, अमेज़ॉन प्राइम, ICICI बैंक, MX प्लेयर। तो फेसबुक मेरे हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है और हमको पता भी नहीं चलता कि फेसबुक इतनी सारी एक्टिविटीज़ को हमारे ट्रैक करता है। तो इसको चेंज करने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले आप क्लियर हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इस क्लियर हिस्ट्री को क्लिक करते हो तो आपकी सारी जो हिस्ट्री रहेगी फेसबुक की ट्रैकिंग, वो पूरी ट्रैकिंग हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। एंड मोर ऑप्शंस में जाके यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आप कैसे इस फ्यूचर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी पे जाइएगा, यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स मिलेगी फ्यूचर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। करंटली ये मेरे फ़ोन में इनेबल है इसलिए फेसबुक सारी मेरी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फेसबुक में हमको हमारे पर्सनलाइज एड्स भी मिलते हैं, तो ये इस पर्टिकुलर ऑप्शन से ही मिलते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करना है तो सिंपली आप इसको डिसेबल कर देना, टर्न ऑफ कर देना। एंड अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी पुरानी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। तो इसके बाद फेसबुक आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करेगा। आई होप ये सिंपल सी सेटिंग आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। ओके, लेट्स मूव टू द सब्सक्राइबर क्वेश्चंस। और सबसे पहले क्वेश्चंस में लूँगा स्पॉन्ज एम, सॉरी आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने बोला है कि OnePlus 7 Pro का अभी तक एंड्रॉयड 11 का अपडेट नहीं मिला है, तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं रोल आउट हुआ कि कैसा है। तो एक्चुअली OnePlus 7 सीरीज़ के लिए एंड्रॉयड का जो 11 अपडेट है वो बीटा में रोल आउट हुआ है। तो अभी तक आपको बीटा वर्जन चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो साइट पे जाके, बट ऑफिशियल वर्जन अभी तक नहीं मिला है OnePlus 7 स्टेबल वर्जन जो बोलते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक उनका बीटा टेस्टिंग कम्प्लीट नहीं हो जाता है तब तक। अनदर क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अफ्रीदी पटेल, और बोलते हैं कि बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हो। एक्चुअली सर ऐसा है ना कि लॉकडाउन का पीरियड है और काम में भी वर्क प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है। मतलब पहले कैसे होता था कि कोई ना कोई घर में सब काम पे जाता था तो आई यूज़ टू गेट सम फ्री टाइम। अभी मेरा बेटा भी घर पे रहता है तो सुबह उठ के उसकी ऑनलाइन स्कूल रहती है, फिर घर में सभी हमारे फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं, दोपहर को मेरा काम रहता है, तो ऐसे में बहुत कम टाइम मिलता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। इसलिए मैं बीच बीच में एक्चुअली गायब हो जाता हूँ। मैं बहुत ट्राई करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर पोस्ट करो जिससे कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स को इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। बट समहाउ कभी कभी मैं ये मैनेज नहीं कर पाता पूरा स्ट्रेस या फिर पूरा लोड, इसलिए बीच बीच में मैं गायब हो जाता हूँ। थैंक्स फॉर योर कंसर्न सर। द नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम प्रवीण कुमार, और उन्होंने बोला है कि कैन आई ट्रांसफ़र माई OnePlus 8 टू सैमसंग टैब S7 विदाउट यूजिंग लैपटॉप और कंप्यूटर। तो जी हाँ, आप कर सकते हो डायरेक्टली ट्रांसफ़र यूजिंग वाईफाई डायरेक्ट। तो आप कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लाइक इजी शेयर करके एक एप्लीकेशन है जो मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ। एंड्रॉयड 11 अगर दोनों वर्जन में रहेगा तो नियर बाई शेयर से आप कर सकते हो, बट इजी शेयर से भी आप अपना पूरा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं ऑलमोस्ट 60 to 70 GB डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक हाफ एन आवर का टाइम लगेगा, 40 मिनट्स का टाइम लगेगा, इसमें पूरा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सुरेंद्र, और उन्होंने बोला है कि लाइफ साइकिल ख़त्म होने के बाद फ़ोन को यूज़ करना सेफ़ रहता है क्या, स्पेशली फॉर द नेट बैंकिंग। तो जी हाँ, इट इज़ परफेक्टली फाइन, परफेक्टली सेफ टू यूज़ अ फ़ोन इवन आफ्टर द एंड ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब ऐसा रहता है कि उनको अभी आगे जाके अपडेट्स नहीं मिलेंगे उन डिवाइसेस को, बट ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें मतलब इश्यूज़ है या फिर आप नेट बैंकिंग यूज़ नहीं कर सकते हो।
इवन आज के तारीख में भी एंड्रॉयड 11 में भी इतने सारे मतलब लूप होल्स रहेंगे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कि वो ब्रेक किए जा सकते हैं, बट हर किसी के बस की ये बात नहीं होती है। सो दे आर एब्सोल्युटली सेफ, आप लाइफ साइकिल एंड होने के बाद फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हो। बट एक चीज़ मैं आपको मेरे सुझाव मतलब देना चाहूँगा कि नॉर्मली 2 साल के बाद आप हमेशा मतलब अपने फ़ोन की बैटरी को एक बार रिप्लेस करने की सोच लेना, प्रोबेबली 2-2.5 साल के बाद, क्योंकि 2 साल के बाद बैटरी का जो लाइफ साइकिल रहता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। बैटरी की वजह से तो लाइफ कम हो जाती है, बट जस्ट टू अवॉइड एनी बैड इंसिडेंट लाइक बैटरी में कुछ अगर इश्यू हो जाए, तो इससे बेटर 2-2.5 साल के बाद एक बार आप फ़ोन की बैटरी ज़रूर चेंज कर देना। नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम मिलिंद, और उन्होंने पूछा है कि OnePlus 6 को जैसे Android 11 अपडेट मिलेगा वैसे Asus 5Z को मिलेगा क्या। मेरे हिसाब से Asus 5Z को Android अपडेट 11 मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन सभी अपडेट्स को मतलब जो पुराने डिवाइसेस को अपडेट्स मिलती है वहाँ उनकी एक डेवलपमेंट टीम काम करती है, हर एक मतलब हर एक स्टेज पे वो डेवलपमेंट टीम काम करती है। लाइक जैसे Android 11 का अपडेट आया तो वहाँ पे एक डेवलपमेंट टीम रहेगी, फिर उसको क्वालिटी टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है वहाँ एक अलग टीम रहेगी, फिर उसको और एक प्री प्रोडक्शन में भेजा जाता है वहाँ एक अलग टीम रहती है, और फाइनली उसको प्रोडक्शन में मतलब उसको एक लाइव किया जाता है उस अपडेट को, वहाँ एक अलग टीम रहती है। तो इतने सभी टीम्स को मैनेज करना वो भी पुराने डिवाइसेस के लिए सभी कंपनी को पॉसिबल नहीं रहता है, इसलिए मतलब ये जो कंपनीज़ है वो काफ़ी डिले करती है पुराने डिवाइसेस को अपडेट्स। और आई एम श्योर कि Asus 5Z को मतलब आई एम नॉट थिंकिंग कि उसको अपडेट आगे मिलेगा एंड्रॉयड 11 का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम रजत, और उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू अपग्रेड न्यू फोन टू 5G, शुड आई वेट फॉर OnePlus 9 Lite की OnePlus 8T ले ले। तो मैं सर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप OnePlus 8T अभी मत ले लो, जस्ट 2 महीने की बात है, आप वेट करो OnePlus 9 को मार्केट में आने दो, और क्या पता आपको एक अच्छा मतलब OnePlus 8T पे डिस्काउंट भी मिलेगा। बट आई विल सजेस्ट टू वेट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, OnePlus 9 आप देख लेना उसकी प्राइस क्या लॉन्च होती है, और आप Snapdragon 888 के साथ चले जाओ, लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो 1-1.5 महीना अगर आप रुक सकते हो कोई अर्जेंसी नहीं है, तो ये मेरा आपको सुझाव है कि आप वेट करो। द नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम एंड्रू, और उन्होंने बोला है कि आइडियली कॉल रिकॉर्डिंग शुड बी अ कंसेंट फ्रॉम द अदर पार्टी, इसलिए OnePlus ने एक्चुअली वो कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर है उसमें ऐसा मेंशन किया है कि जब भी हम लोग OnePlus 8 सीरीज में कॉल रिकॉर्डिंग एनेबल करते हैं तो सामने वाले पार्टी को सुनाई देता है दैट दिस पर्सन हैज़ एनेबल द कॉल रिकॉर्डिंग। बट ये एक्चुअली OnePlus ने लीगल मैटर में जाने के लिए नहीं किया है, बल्कि OnePlus गूगल का डायलर यूज़ करता है, गूगल का फ़ोन का इंटरफेस यूज़ करता है, और गूगल के इंटरफेस में गूगल ने ही ये कंसेंट डाला हुआ है कि जब भी आप कॉल रिकॉर्डिंग को एनेबल करते हो तो सामने वाले पार्टी को सुनाई देता है। दैट्स वाई OnePlus के डिवाइसेस में भी ये ऑप्शन आता है। अगर OnePlus इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करती है, या फिर आप पुराने OnePlus के फ़ोन्स में देखिएगा, पुराने OnePlus के फ़ोन्स में वैसा जो एक नोट आती है वैसी नोट नहीं आती है, क्योंकि वो OnePlus का डायलर था और ये सिंपली गूगल का डायलर है। तो गूगल के आप कोई भी फ़ोन्स यूज़ करोगे तो उसमें सिमिलरली आपको मिलेगा। इवन आई एम यूजिंग सैमसंग फ़ोन, लेकिन सैमसंग के फ़ोन में भी ऐसा कुछ नहीं आता है कि सामने वाले मतलब लोगों को सुनाई देता है कि यू हैव स्टार्टेड द कॉल रिकॉर्डिंग। तो ये गूगल का ही लीगल मैटर है या फिर लीगल पॉलिसी है, तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो दोस्तों आज मैंने इतने सवाल लेने की कोशिश की है, अगर आपका कोई भी सवाल रहेगा फ़ोन के रिलेटेड या कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ले लेना, नेक्स्ट एपिसोड में उसको लेने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।